तो चलिए बात करते हैं पर्यटन की। पर्यटन पूरी तरह से बूम पर है, सैलानियों की बहार है, सैलानियों का सैलाब इसे कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि पर्यटकों की रिकॉर्ड तोड़ आवक जारी है। देश विदेश के पर्यटकों का भारी हुजूम, प्रदेश भर के पर्यटन स्थलों पर सैलानी उमड़ रहे हैं। फर्स्ट इंडिया वो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा है, क्योंकि उम्मीदों का सीजन है। ये वो सीजन जिसका इंतजार पूरे साल भर किया जाता है, और खासतौर पर ट्रेवल ट्रेड में सीजन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह, और कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो ठीक भी है उत्साहित होना, क्योंकि ना सिर्फ देसी बल्कि विदेशी पर्यटकों का भी हुजूम है। और चलिए आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं और पर्यटन की तस्वीरें दिखाएंगे। जयपुर से हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ चुके हैं, जैसलमेर से सहयोगी सूर्यवीर, तो माउंट आबू से सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपुर का रुख करते हैं निर्मल जी, जयपुर राजधानी परकोटा, परकोटे में भी कई ऐसे मॉन्यूमेंट जो कि बहुत ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं और लगातार वहां पर रिकॉर्ड टूटते हैं, लेकिन ट्रेवल ट्रेड को इस सीजन से जितनी उम्मीदें थी, लग रहा है आपको कि उम्मीदें पूरी हो जाएंगी इस बार इस गोल्डन पीरियड में? सुप्रभात जयति, मंगल प्रभात, और देखिए ये गणगणेश के ठीक सामने से हम आपको वो खुशनुमा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे जिससे कि गुलाबी नगर पावणों से गुलजार नजर आता है। मैं कैमरा साथी संजय से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से पर्यटकों का ये कह सकते हैं कि जयपुर की हृदय स्थली है ये अल्बर्ट हॉल। यहाँ से आपको दिखाएंगे किस तरह से पर्यटकों का पूरा हुजूम एक उमड़ करके आया, देश विदेश से यहाँ पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। इस बीच हमारे साथ राकेश छोलक भी जुड़ गए जो अधीक्षक है अल्बर्ट हॉल के। राकेश, पहले तो बहुत शुभकामनाएं, किस तरह से आपने पूरा मैनेज किया और कैसा फ्लो है और उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, टूरिस्ट का फ्लो सभी को पता है कि जो हमारा दिसंबर का महीना है इसके लास्ट वीक में सबसे ज्यादा रहता है जयपुर में, और इसी संबंध में अब की बार जो इस साल का दिसंबर है इसमें टूरिस्ट पिछले सालों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। अभी मैं आंकड़ों की बात करूं तो पिछले तीन दिन से लगातार 9,000 से ऊपर टूरिस्ट अल्बर्ट हॉल को विजिट कर रहे हैं, और नाहरगढ़ की अगर बात करें तो कल 10,000 से ऊपर टूरिस्टों ने विजिट किया था, तो हम सोच सकते हैं कि टूरिस्ट काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ आ रहा है और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की और गर्व की बात है। कुछ विशेष इंतजाम भी किए थे राकेश इस दौर में, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि टूरिस्ट आएगा, भाई क्रिसमस है, न्यू ईयर है, टूरिस्ट तो आना ही है। देखिए, सुरक्षा संसाधनों की बात करें तो जितने भी होमगार्डियाँ लगे हुए हैं या हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी छुट्टियाँ सबकी कैंसिल की हुई हैं लगभग, और कोई बहुत ही इमरजेंसी है तो किसी एक आध को छोड़ा है, बाकी तो सब की छुट्टियां कैंसिल की है। गैलरियों में सबको अलर्ट किया है, सारे हमारे जो सुपरवाइजर हैं उनको आदेशित किया है कि वो हर घंटे राउंड करेंगे गैलरियों का, और किसी भी टूरिस्ट को कोई परेशानी हो तो उसको तत्काल दूर करेंगे, मौके पर दूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, हम यहाँ एक बहुत छोटे से हमारे टूरिस्ट भी उनसे बात करने को, क्या नाम है आपका? अलभ्या जोशी। कहाँ से आए अलभ्या? पुणे। क्या क्या देखा? जयपुर में अभी ये देखने जा रही हूँ, उसके पहले बिरला मंदिर देखा था। अच्छा लगा सब? अलभ्या के पापा भी हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? प्रणव जोशी। क्या क्या देखा, किस तरह से? अभी आज ही चालू किया, बिरला मंदिर से स्टार्ट किया, अल्बर्ट हॉल आया है, बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जयपुर को चुना कोई विशेष बात? हाँ, जयपुर में तो पिंक सिटी है, इसको पिंक पसंद है तो वो देखना है, और सारे महल देखने हैं, पैलेसेस देखने हैं, सारे फोर्ट्स देखने हैं, और रिलैक्स करना है बाद में। देखिए जयति, ये वो खुशनुमा चेहरे हैं जो बताते हैं कि किस तरह से यहाँ जयपुर को इन्होंने चुना, इसलिए कि पिंक सिटी है, यहाँ तमाम जो पर्यटक हैं वो इसीलिए आते हैं कि बहुत सारे स्मारक, राजस्थान का वो वैभव देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पूरा एक ग्रुप है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? हेलो, कहाँ से आए आप? पंजाब। पंजाब, क्या क्या देखा अभी? अभी तो फर्स्ट ही है हमारा अल्बर्ट म्यूजियम, यहीं आए हैं। अच्छा, और कुछ आइटनरी बनाई होगी, और कहाँ कहाँ जाना है? हाँ, जल महल, हवा महल, और एक चौकी ढाणी सुना है, वहाँ जाएंगे। जल महल, हवा महल, चौकी ढाणी, आमेर, तमाम उस पर सब करेंगे। आप? मैं सर यहाँ का टूरिस्ट गाइड हूँ। अच्छा, क्या दिखा रहे हैं इनको आज? सर अभी पहले अल्बर्ट हॉल आए, इसके बाद जाएंगे जंतर मंतर, हवा महल वगैरह क्रॉस करके आमेर जाने का है। अगर आज ज़्यादा रश मिला तो फिर कल रखेंगे, क्योंकि टूरिस्ट ने तो रिकॉर्ड तोड़ा है इस साल, डे बाई डे टूरिस्ट बढ़ ही रहा है, पार्किंग उतनी है, पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे सर। पार्किंग की प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि लगातार टूरिस्ट का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा है। देखिए, जो गोल्डन वीक होता है जयती, 24 दिसंबर से शुरू होता है 31 दिसंबर तक, और 24 दिसंबर को 70,000 से ज्यादा पर्यटक थे राजधानी जयपुर में, कल 25 दिसंबर को ये आंकड़ा 80,000 के आसपास पहुंचा, और आज भी जिस तरह का फ्लो है, टूरिस्ट को मैनेज करने में पुरातत्व विभाग ने पूरी जान झोंक रखी है, पर्यटन विभाग ने पूरी ताकत लगा रखी है, वन विभाग, क्योंकि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का बहुत जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। लोग झालाना जा रहे हैं, आमागढ़ जा रहे हैं, लोग नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, हाथीगांव, लॉयन सफारी, तमाम वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्लो लगातार बना हुआ है, और उसकी वजह से ही टैफ के जो जवान है वो भी कोशिश कर रहे हैं, जो स्वयंसेवक है वो भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार, और मैं एक बार फिर कहूंगा संजय से आपको दिखाएंगे वो, ये ठीक जो सवाई मानसिंह जी की प्रतिमा है उसके सामने आपको गढ़गणेश, और ये जो ट्रैफिक का जो फ्लो है आपको दिखेगा किस तरह से रैंग रैंग के ट्रैफिक चल रहा है, वो इसीलिए कि
तमाम जो पर्यटक हैं उन्होंने जयपुर को चुना खासकर, और जिस तरह की बुकिंग मिल रही है उम्मीद यही है जयती कि 31 दिसंबर तक इस पूरा जो गोल्डन वीक है जो 24 दिसंबर से 31 दिसंबर का सप्ताह है इसमें राजधानी जयपुर के अंदर जो टूरिस्ट का आंकड़ा है वो 10 लाख के आसपास रहना है। इसका मतलब ये है कि ट्रैवल ट्रेड को तो निश्चित तौर पर फायदा होना है, जो ट्रैवल ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं उनको फायदा होना है, क्योंकि जब एक टूरिस्ट राजस्थान में आता है एक टूरिस्ट जयपुर में आता है उसके साथ 13 लोग एंगेज होते हैं, अलग अलग ट्रेड्स के लोग एंगेज होते हैं उसके साथ, तो उनको रोजगार मिलता है, उनको रेवेन्यू मिलता है। तो निश्चित तौर पर टूरिज्म तो एक तरह से कह सकते हैं जयपुर और राजस्थान की लाइफ लाइन है, यहाँ की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर से इस तरह का जो माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए एक ग्रुप और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, लगातार अल्बर्ट हॉल पहुंच रहे हैं और ये वो अल्बर्ट हॉल है जहां पर जो हमारे अगर राजपुताना की आनबान और शान के प्रतीक अस्त्र शस्त्रों की बात करें, यहाँ के खान पान, यहाँ के पहनावे की बात करें, यहाँ के जो हथियार थे उनकी बात करें, उनको इसमें बता यहाँ पर प्रदर्शित कर रखा और ये बताने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से जो यहाँ राजपुताना के जो तमाम जो वैभव हुआ करता था प्राचीन उसको किस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ लगातार टूरिस्ट सेल्फी टूरिज्म का एक पूरा दौर है। मैं इधर कुछ टूरिस्ट और इनसे भी बात करने की कोशिश करूँ। कहाँ से आए आप लोग? पीलीभीत, यूपी। यूपी से? पीलीभीत। पीलीभीत क्या क्या देखा अभी तक? राजमहल और किला और हवा महल। अच्छा हवा महल देखा। अच्छा आपने ये लगा रखी है पगड़ी कहाँ से? आमेर फोर्ट से। आमेर फोर्ट से ली। आमेर फोर्ट देखा आप लोगों ने? कैसा लगा बेटा आपको? सही था। देखिए ये मैं वही जयती बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चेहरों की रौनक, ये खुशी, ये बताने की कोशिश कर रही है कि लोग हमारी संस्कृति से, हमारी जो समृद्ध विरासत है उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी देखिए गैलरी लगातार यहाँ से जिस तरह से टूरिस्ट अल्बर्ट हॉल आ रहे हैं, कुछ देर बाद हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे आमेर में किस तरह का फ्लो है, हवा महल में किस तरह का फ्लो है, और लगातार जो महेंद्र सिंह खड़गावत जो पुरातत्व विभाग के जो निदेशक है वो भी इस बात को मॉनिटर कर रहे हैं कि किसी तरह से पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो। ग्रुप के ग्रुप पर्यटकों के लगातार आ रहे हैं और डे बाई डे ये संख्या बढ़ेगी, 70 से 80 हज़ार से आज हो सकता है 80 हज़ार से ज्यादा इसको क्रॉस करे। तो निश्चित तौर पर ट्रैवल ट्रेड के लिए बहुत एक खुशनुमा तस्वीर है, ट्रैवल ट्रेड के चेहरे पर रौनक इसी बात के लिए क्योंकि कोरोना का वो दौर उन्होंने देखा है, 2 साल जब पूरा पर्यटन ढांचा एकदम से चरमरा गया था। देखिए छोटे छोटे बच्चे और ये सब इस तरह से यहाँ लगातार आ रहे हैं, यहाँ सेल्फी ले रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं राजस्थान की संस्कृति से, देखना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात है राजस्थान के अंदर कि यहाँ के किले, महल, बावड़ियाँ, यहाँ के जंगलात, यहाँ की टाइगर सफारी, यहाँ की लेपर्ड सफारी, लॉयन सफारी, हाथी सफारी, तमाम वो पर्यटन उत्पाद उनको किस तरह से आकर्षित कर रहे हैं, उनसे रूबरू होना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उनको लेकर के। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा ही खुशनुमा माहौल है जयती, और उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा पर्यटकों का फ्लो बनता जाएगा। और स्थिति ये हो गई थी आमेर में तो पिछले 2 दिन के अंदर कि मावठे के अंदर पार्किंग बनानी पड़ी थी, वाहनों की लंबी लंबी कतारें कनक घाटी से लेकर आमेर, आमेर से लेकर पूरा नाहरगढ़ बालोजी पार्क और कुकस तक का जो क्षेत्र था वहाँ लगातार पर्यटकों की आवाजाही थी क्योंकि दिल्ली रोड से, आगरा रोड से, इधर अजमेर रोड से तमाम जो टूरिस्ट वाहन है वो लगातार आ रहे हैं। तो ये फ्लो बरकरार है और उम्मीदें की जानी चाहिए जैसे जैसे दिन चढ़ेगा टूरिस्ट की संख्या में भी इजाफा होगा और टूरिस्ट हमारी संस्कृति से, हमारे प्राचीन किले, महल, बावड़ी, हमारे जो उत्पाद हैं पर्यटन के उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्यों राजस्थान वीरों की धरती है, क्यों राजस्थान शौर्य की धरती है, क्यों राजस्थान एक मीठी बोली भाषा की धरती है, क्यों राजस्थान जहाँ पावनों को भगवान माना जाता है, वो तमाम चीज़ें उससे सब वो अपने को साक्षात करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर एक खुशनुमा तस्वीर है और उम्मीद की जानी चाहिए कि दिन चढ़ने के साथ साथ इस खुशी में और इजाफा होगा, टूरिस्टों की संख्या में और इजाफा होगा और लोग हमारी संस्कृति से रूबरू होने की कोशिश करेंगे। जयती बिल्कुल निर्मल जी, और वापस लौटेंगे, एक बार रुक करते हैं जैसलमेर का भी, सुरवीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुरवीर, जैसलमेर भी फेहरिस्त में होता है और खासतौर पर जैसे जैसे न्यू ईयर का समय सामने आएगा, पास में आएगा, जैसलमेर के सम, जैसलमेर का रेगिस्तान, डेजर्ट, वहां पर इतनी ज्यादा सैलानियों की भीड़ हर बार होती है, आप बताइए इस बार कितना खुशनुमा मौसम है क्योंकि पूरा का पूरा वीक जो है वो छुट्टियों का वीक है, उम्मीदों का वीक है, क्या तस्वीरें वहां से जैसलमेर से? बिल्कुल, जिस तरीके से स्वर्ण नगरी जैसलमेर की धरा इन दिनों देसी विदेशी पावनों से गुलजार है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। चारों तरफ जहाँ भी नजर डाले तो देसी विदेशी है, वो सैलानी ही है, वो नजर आ रहे हैं। और दिन उगने के साथ साथ जिस तरीके से पर्यटन स्थलों पर इतना जमावड़ा लग जाता है कि उस जगह पर है कदम रखने तक ही है वो जगह नहीं रहती है क्योंकि गोल्डन वीक चल रहा है और गोल्डन वीक में करीब लाखों की संख्या में सैलानी जैसलमेर की धरा पर पहुंच रहे हैं। यहाँ देश के नहीं विदेश की सैलानी पहुंच रहे हैं और पूरा मिनी भारत है वो इन दिनों जैसलमेर की सड़कों पर है, वो घूमता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। मुंबई से हो, अहमदाबाद से हो या राजस्थान के किसी भी कोने से हो, सैलानी लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और जैसलमेर के मुख्य पर्यटन स्थलों का है कहीं ना कहीं दीदार करते हैं। मैं अपने सहयोगी तन्मय को कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से है। हम इस समय खड़े हैं जैसलमेर के सोनार ग्रुप में, देखिए तस्वीरें कि सोनार ग्रुप के मेन एंट्रेंस में अल सुबह जिस तरीके से सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो सूर्य की पहली किरण के साथ
सोने की तरह ये चमकता हुआ सोनार किला कहीं ना कहीं है, सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और अपने पर्यटक यहाँ पर दीदार करने हुए लगातार है और पहुंचते हैं। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से पंजाब से लोग घूमने आए हैं, हरियाणा से लोग घूमने आ रहे हैं और यहाँ से देश से विदेशों से भी है वो लगातार सैलानी यहाँ से घूमने आ रहे हैं, क्योंकि मुख्य पर्यटन स्थल सोनार दुर्ग है और सोनार दुर्ग में क्रिसमस ईव से पहले लगातार जिस तरीके से सैलानियों का इतना बूम देखा गया था कि लगातार सैलानी है यहाँ पर पहुंच रहे। कुछ टूरिस्ट से बात करते हैं, भाई साहब कहाँ से घूमने आए हैं और कैसा लगा जैसलमेर? हम आए हैं चित्तौड़गढ़ से और जैसलमेर हमने पहले ही बहुत बार देखा है और फिर घूमने आए, अच्छा लगा मेरे को। बिल्कुल, जैसलमेर पहली बार भी देखा है और बार बार घूमना आना जैसलमेर पसंद करते हैं। मैडम कहाँ से घूमने आए, कैसा लगा जैसलमेर? चित्तौड़गढ़ से आए और बहुत अच्छा लगा हमको जैसलमेर। अब हम फोर्ट घूमेंगे, देखते हैं क्या है। कैसा मौसम है जैसलमेर की और कैसा लगा आपको? नॉर्मल है, गर्मी तो है ही, चित्तौड़ में उस तरफ ज्यादा ठंड है, इधर थोड़ा गर्मी है, पर ठीक है। बिल्कुल, मौसम का कहीं ना कहीं लुत्फ उठाते हुए सैलानी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं और लगातार जिस तरीके से जैसलमेर की संस्कृति से रूबरू होने का प्रयास है यहाँ के सैलानी हैं वो कर रहे हैं। जैसलमेर की ऐतिहासिक जिस तरीके से पारिवारिक वेशभूषा हो या तरह तरह से जो आभूषण हो वो पहनते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं और सोनार दुर्ग में ये हालात है कि धीरे धीरे है वो बूम है वो बढ़ता ही जाता है। कुछ तस्वीरें देखिए, ये पंजाब से घूमने आए हैं सैलानी, उनसे बात करते हैं। भाई साहब कहाँ से घूमने आए हैं और कैसा लगा? पंजाब से आए हैं, एरिया से। यहाँ का ऐसा लगता है कि अभी जैसे नई चीज देखने को मिली है, नया लग रहा सब कुछ। थोड़ा जैसे उधर सर्दी बहुत पड़ रही है, यहाँ का थोड़ा मौसम भी अच्छा लगा है तो बहुत बढ़िया लग रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल सूर्यवीर लौटेंगे और तस्वीरें फिर से देखेंगे, लेकिन एक बार कमलेश का रुख करते हैं। माउंट आबू से हमें लगातार सुबह से जानकारी दे रहे हैं कमलेश। माउंट आबू में सुबह जब आपसे तस्वीरें देखी तब तो कोहरा था, बहुत ठंड थी, लोग लगातार तब भी पहुंच रहे थे, लेकिन अब लगातार वहां पर पर्यटकों की आवक जो है वो बढ़ेगी और खूबसूरती जिस जगह की इतनी ज्यादा हुआ रंगत होना लाजमी है। आप बताइए आज क्या रहने वाला है माउंट आबू के लिहाज से खास पर्यटन की दृष्टि से? देखिए जयती, चूंकि नया साल आने वाला है और स्वर्णिम सप्ताह चल रहा है, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से राजस्थान के तमाम जो शहर हैं, चाहे जयपुर हो, जैसलमेर हो, उदयपुर हो, पुष्कर हो, ये तमाम जो शहर है कहीं ना कहीं पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ऐसे में पर्यटकों का रुझान माउंट आबू से लगा करके तमाम जो राज्य के जो बड़े पर्यटन स्थल है वहां पर पर्यटकों की इस बार धूम देखने को मिल रही है। एक नजारा देखिए, इस वक्त जहां हम नक्की झील पर खड़े हैं तो नक्की झील के किनारे पर जो सैलानी है, सैलानियों की संख्या को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सैलानी है माउंट आबू की इस नक्की झील पर आकर के जो सुंदर तस्वीरें हैं, क्योंकि माउंट आबू की जो तस्वीरें हैं बेहद ही रोमांचक होती है, क्योंकि यहां पर जो वेदर है यहां पर, खास करके जो यहां का जो क्लाइमेट है उसको लेकर के जो टूरिस्ट है वो माउंट आबू आते हैं। चूंकि अभी देखिए तकरीबन 11:30 होने का टाइम है और जो सैलानियों की संख्या है लगातार, मेरे सहयोगी राज है वो दिखाएंगे कि इस वक्त जहां हम नक्की झील पर खड़े हैं, ये तो तमाम जो सैलानी हैं आप देखिए यहां पर घूमने का आनंद ले रहे हैं। तमाम जो इलाकों में कहें, बात करें गुरु शिखर हो, अचलगढ़ हो, पीस पार्क हो या फिर माउंट आबू के तमाम जो पर्यटन स्थल है, उन पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की यहां पर संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। और आंकड़ों की बात करें तो पिछले 3 दिनों में लगभग 50,000 से अधिक। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी और सूर्यवीर आपका भी।